हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल कुमार बिफोर यू। मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे पिक्सेल ऐप का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए तो पिक्सेल ऐप के यूज़ के बारे में आपको बताता हूँ। इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, हम देख रहे हो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने क्या वो खुल गया। ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद आप क्या कीजिएगा कि आपको जो बैकग्राउंड चूज करना है, मैंने बैकग्राउंड कहने का मतलब कि जो फोटो लगाना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड हम जो भी क्लिक करना है इसमें से ले सकते हैं। मैंने ये ले लिया। अब चाहते हैं आप फोटो लगाना तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस साइन। ठीक है, सबसे ऊपर में प्लस साइन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फोटो दिखाई देंगे, बहुत सारे फोटो दिखाई देंगे तो उस पर क्लिक कर दीजिए। आपको जो लेना है फोटो वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो फोटो आप लेना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट करना है। ये लेना चाहते हैं तो मैंने इसे इसको क्या किया, क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये क्या है, ये वाला जो आपको दिख रहा है आप चाहते हैं बड़ा करना तो इसके साथ ये वाला जो आपको गोल साइज का दिख रहा है उसको पकड़ करके इसे खींच देना तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना, ये बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, जब आप इसमें ए में क्लिक करते हैं, जब आप ए पर क्लिक करते हैं इस ए पर, तो ये हमारा दो चीज़ आता है। अब ये टेक्स्ट क्या आता है, टेक्स्ट मतलब कि जो आप कुछ लिखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया आपका, ये देखिए ये आया है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर खींचेंगे इधर इधर लाएंगे यहाँ पर, फिर इसी टेक्स्ट पर जो न्यू टेक्स्ट है उस पर क्लिक करेंगे दो तीन बार। यहाँ पर ये आ गया, खुल गया, आपको जो लिखना है लिख दिए। लिख देने के बाद यदि आप चाहते हैं कि इसको बड़ा करना है तो यहाँ पर टी पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो बड़ा हो गया, फिर ओके कर दीजिए। ओके कर देने के बाद है ना, ओके ये हो गया। अब यदि चाहते हैं, देखिए डिलीट, यदि आप चाहते हैं कि आपने जो लिखा है वो गलती हो गया है तो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये लिखा हुआ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि इसका एक और कॉपी आ जाए, ठीक है, इसका एक और कॉपी आ जाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि टू कॉपी पर क्लिक करना है, कॉपी पर। तो जब आप ये कॉपी दिख रहा है आपको नीचे ऑप्शन में कॉपी दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसके जैसे एक और आ जाएगा। देखिए आ गए, आप चाहते हैं कि एक 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 ही हमको चाहिए तो आप यहाँ डिलीट पर ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा डिलीट। ठीक है, अब देखिए फ्रंट क्या है, तो फ्रंट मतलब कि यदि आप चाहते हैं कि इसको फोटो के आगे, देखिए फोटो के आगे दिख रहा है, आगे आगे। यदि आप चाहते हैं इसको भी बैक, तो टू बैक पर क्लिक कर दीजिए, पीछे चला गया, फिर तो हमको तो पीछे रखना है, पीछे तो दिखाई नहीं देगा, चलिए टू फ्रंट पे क्लिक कर देंगे तो आगे आ गया। ठीक है, अभी पोजीशन मैंने पोजीशन को आप क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इधर इधर पीछे नीचे जिधर भी मन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं पोजीशन से। रिलेटिव पोजीशन वही है, ऊपर नीचे जिधर मन आप उधर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइज़ मतलब कि आपको लेटर को साइज़ को बढ़ाना है तो लेटर को साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसका यूज है। पेडिंग क्या था, देखिए इधर पेडिंग कर सकते हैं, इधर बढ़ रहा है ना, ये बड़ा यही पेंटिंग का यूज है। ठीक है, कलर यदि आप कलर रंगना चाहते हैं, लाल पीला हरा जो भी लेटर का रंग करना चाहते हैं तो कलर आप ले सकते हैं, है ना। टेक्सचर क्या था, टेक्सचर दिखाते हैं, यदि आप इसको इमेज चूज करना चाहते हैं इमेज पे क्लिक कर देना टेक्सचर पे। और पी क्यू क्या था, देखिए क्या पी क्यू मतलब कि इसका डार्कनेस घट रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, यही होता है पी क्यू, वे क्यू यही होता है। आप रोटेट करना चाहते हैं इसको इस तरह से, जितने एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं, तो ये अभी 180 डिग्री पर है, हम जितने एंगल पर भी रोटेट कर सकते हैं। अब ये मास्क क्या है, तो आप चाहते हैं काटना, ठीक है काटना, देखिए लेटर को काटने को जितना काटिएगा उतना आपका ये कट जाएगा, है ना, ये कट रहा है। ठीक है, ये कटेगा, ठीक है, आप जितना चाहें कट सकते हैं, तो ये मास्क उसी के लिए है। ठीक है, अब ये फॉन्ट, आप जिस फॉन्ट मतलब कि आप किस तरह के इसको रखना चाहते हैं, देखिए ये डार्क हो गया, जिस तरह का ये सब दिख रहा है तो हमको तो ये अच्छा लगता है तो ये यूज़ करते हैं। देखिए हो गया बड़ा, हो गया ना बड़ा, सॉरी टू फ्रंट जानते हैं मतलब कि आगे रखना, टू बैक सब में करते हैं। अब देखिए ये किस तरह के साइज को रखना चाहते हैं, देखिए बोल्ड हो जाएगा, ये इस टाइप का साइज पर क्लिक कीजिए तो ये कलर लाइन टाइप का हो जाएगा, है ना, तो ये इसका यूज है। अब देखिए अब हमारा यूज आता है क्या, अब हमारा यूज आता है बैकग्राउंड। देखिए यदि आप इस लेटर का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए बैकग्राउंड आ गया। जैसा बैकग्राउंड जिस कलर का बैकग्राउंड आप चाहते हैं
स्कूल का बैकग्राउंड ले सकते हैं, ठीक है। एलाइन क्या है, तो देखिए क्लिक कर देते हैं तो पता चल जाएगा। ये एलाइन का आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी एलाइन है यहाँ पे, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका यूज कर देखिए, ये इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, ठीक है। ये यूज है इसका, इनलाइन का, स्टॉक का यूज है, देखिए इस क्लिक कर दीजिए, इनेबल कर दीजिए, देखिए स्टॉक का यूज है ना, ये सब यूज है स्टॉक का। इनर साइड हो, देखिए इनर साइड हो, ये रहा हमारा मन अंदर का साइड हो जो दिखाना चाहते हैं। अब देखिए ये हमारा रहा, अब ये इम्बोज क्या है, देखिए इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए कैसे हो रहा है ना, यही इम्बोज है। 3D रोटेट करना, देखिए 3D आप कैसे दिखाना चाहते हैं, 3D दिखाना चाहते हैं, देख रहे हो आप, यही 3D है, तो इसको क्लिक कर ले सकते हैं। अब देखिए ये देखिए ऐसे है ना, ये आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए ये कैसे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए ये अपनी कलर लिए तो देखिए यूज कर सकते हैं, इससे जो भी मनी रिफ्लेक्शन क्या दिखा देते हैं। देखिए मनी रिफ्लेक्शन का मतलब किसका है, प्रतिबिंब बनना है ना, वही रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, उसने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, तो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। देख रहे हैं आप जितना दूर चाहें उतना दूर रख सकते हैं। यही तो वीडियो थोड़ी बड़ा हो चुका है, यदि आप चाहते हैं कि मैं और इसके आगे वीडियो लाऊं, इसके बारे में वीडियो लाऊं, ये जो दिख रहा है दूसरा, इसके लिए तो आप कमेंट कीजिए, क्लिक कीजिए और हमको बताइए कि हमको सेकेंड वीडियो चाहिए। यदि कमेंट आता है और हमारे जितना जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करना चाहिए होगा, कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।